सो गाइस, फिलहाल अपन आ चुके हैं बड़े तरिया में। तो अगर आप कुम्हारी में बड़े तरिया में आना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बाहर का नज़ारा और अपन इंटर करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो इंट्रेंस चार्ज है वो 20 रुपये है और आप देख सकते हैं यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है। टिकट के ज़रिए आप एंटर कर सकते हैं। तो ये आप ब्रिज देख सकते हैं, वो बांद्रा लिंक ब्रिज है। अगर आप मुंबई गए होंगे तो ये ब्रिज से ज़रूर गुजरे होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें डिज़ाइन की गई है और पूरा उसी की तरह इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। बाहर का जो लाइटिंग है बहुत ही अल्टीमेट है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो है आपको ट्रेन दिखाई दे रहा है। इस ट्रेन का नाम मैं आपको बताऊं तो ये जो ट्रेन है उसका नाम है बुलेट ट्रेन और इसका भी चार्ज लगता है। चार्ज की बात करूँ तो 30 रुपये में 2 राउंड आपको ये देगा। तो बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात करते हैं रायपुर से, इसकी दूरी तो लगभग 17 किलोमीटर रायपुर से दूरी है और भिलाई से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो उसके लिए 23 किलोमीटर की दूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लेज़र शो, बहुत ही अल्टीमेट 3D लेज़र शो म्यूज़िकल फाउंटेन यहाँ लगाया गया है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल में अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। तो फिलहाल अपन आ चुके हैं बड़े तरिया में। तो बड़े तरिया को हिंदी में बोले तो बड़ा सा तालाब होगा। अब बात करते हैं ये कितना बड़ा तालाब है। तो 18 एकड़ में ये फैला हुआ है, इतना बड़ा तालाब है। और इसकी जो अनुमानित एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करूँ तो 26 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं। ये आप दूर से देख सकते हैं, जो होल्डिंग्स या फिर बैनर आपको दिखाई देगा उसमें लिखा हुआ है बड़े तरिया। तो बड़ा सा तालाब इसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं इंट्रेंस फीस के बारे में। अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो कितने रुपए आपको कॉस्ट लगेगा। तो अगर आप एंट्री लेते हैं पर पर्सन 20 रुपये लगेगा और अगर आप कार से आते हैं तो कार के लिए 20 रुपये पार्किंग चार्ज है। स्कूटी या बाइक से आते हैं तो उसके रुपये 10 रुपये का पार्किंग चार्ज लगेगा। सो गाइस, ये तो हो गया एंट्रेंस फीस के बारे में। अब बात करते हैं दूरी के बारे में। अगर आप रायपुर से आना चाहते हैं तो रायपुर से लगभग कुम्हारी की जो दूरी है लगभग 17 किलोमीटर है और भिलाई से अगर आप आना चाहते हैं तो लगभग 23 किलोमीटर है और दुर्ग से आना चाहते हैं तो 29 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। तो अब बात करते हैं यहाँ के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, मौसम आज का बहुत ही अल्टीमेट हो चुका है और इसमें शूटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और कंप्लीट टूर कराने वाला हूं। तो ये आप देख सकते हैं, अपन यहां से सीधा जाएंगे तो आपको स्टेशन दिखाई देगा जिसका नाम है कुम्हारी स्टेशन। तो कुम्हारी स्टेशन को पूरा हूबहू बनाने की कोशिश बड़े तरिया में की गई है, जहां से आप बुलेट ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल अभी बुलेट ट्रेन आया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं बुलेट ट्रेन आपको यहाँ खड़ा हुआ दिखाई देगा जो कि बड़े तरिया में बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, पूरे बेहतरीन तरीके से वेटिंग रूम बनाया गया, हर चीज़ को मैं आपको खाने वाला। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बुलेट ट्रेन और यहाँ इसमें चढ़ने के लिए इसका जो कॉस्ट है वो 30 रुपये पर पर्सन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ वेटिंग रूम भी बनाया गया, पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ जो है डिज़ाइन की गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बुलेट ट्रेन और बुलेट ट्रेन में आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, ये बैटरी से चलने वाली बुलेट ट्रेन है और ये आप देख सकते हैं टिकट के ज़रिए ही ये चलती है। आपको पर पर्सन 30 रुपये देना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बुलेट ट्रेन है वो आपको चलती हुई दिखाई देगी। तो ये 30 रुपये में 2 राउंड लगवाती है, जो इसका सर्कल बना हुआ है वो 2 राउंड लगवाती है। सो गाइस, ये है बड़े तरिया और आप देख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा बड़े तरिया कितने एकड़ में फैला हुआ है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बड़े तरिया 18 एकड़ में फैला हुआ है और कॉस्टिंग की बात करूं तो लगभग 26 करोड़ का इसमें खर्च आया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये है बुलेट ट्रेन का रास्ता और चारों तरफ आपको हर जगह आपको फाउंटेन ही फाउंटेन नज़र आने वाला है। मैं आपसे फिर से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये आप देख सकते हैं ऊपर में जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है उसका नाम है बांद्रा वैली सी लिंक ब्रिज। और अगर आप मुंबई गए होंगे तो इस ब्रिज के बारे में पता होगा, जो कि आपको यहाँ जो है बड़े तरिया में दिखाई देने वाला है। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, अगर आप फोटो क्लिक कराना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लोकेशन होने वाला है। तो अब हम चलने वाले हैं बांद्रा वैली सी लिंक ब्रिज में, जो कि
बड़े तरिया कुम्हारी में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग की गई है बैंड्रा वाले सीलिंग ब्रिज में, जो कि आपको यहाँ बड़े तरिया में दिखाई देने वाला है। तो यहाँ आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे, और बहुत ही मोस्ट हैपनिंग प्लेस है ये। और अपन एंटर कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको लाइटें ही लाइटें दिखाई देने वाली है। तो ये जो है ब्रिज से अपन एंटर कर चुके हैं, तो ये जो प्लेस है इसे कहते हैं म्यूज़िकल फाउंटेन। 3G लेज़र शो का जो ये प्लेस है, यहाँ जो है लेज़र शो होता है, तो वो मैं आपको लेके चलूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको यहाँ नज़र आने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही क्षण में यहाँ लेज़र शो होगा। तो ये आप देख सकते हैं शेर के मुँह से पानी निकलते हुए आपको दिखाई देगा, जो कि सिंगापुर में है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, सिंगापुर में स्थित है, और यहाँ आप देख सकते हैं वो आपको दिखाई देगा। तो वहाँ होता है लेज़र शो, और लेजर शो चालू होता है हमेशा, मैं शाम की बात कर रहा हूँ, 7:30 बजे लेजर शो चालू होता है, और लगभग 13 मिनट तक ये लेजर शो चलता है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे पौधे आपको दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो है स्थल मैं आपको बता दूं, ये है लेजर स्थल, और लेजर चालू हो चुका है। जम्मू संगवारी मल्ल जय जोहार। बड़े गर्व की बात है, माँ महामाया की नगरी कुम्हारी में माता शीतला के आशीर्वाद से 18 एकड़ निर्मित बड़े तरिया का आज लोकार्पण किया गया है। इस कार्य की लागत 26 करोड़ रुपये की है। तालाब हमारी संस्कृति के केंद्र बिंदु तो है ही, साथ ही भूजल स्तर को बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तालाबों के संवर्धन से भूजल स्तर में सुधार भी होता है। हमारी सरकार इस दिशा में सतत रूप से कार्य कर रही है। शहरों और गांवों के भूजल स्तर में सुधार के लिए निरंतर कदम उठाए गए हैं। कुम्हारी में लोकार्पित हो रहा है बड़े तरिया, हमारे प्रयासों का एक उदाहरण है। बड़े तरिया में आप सभी को टॉय ट्रेन, शानदार झूले, चौपाटी, ग्रीन टनल, म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर शो, वीडियो प्रोजेक्टर एवं शानदार पार्क देखने को मिल रहा है। 70 साल से अधिक पुराने पीपल के पेड़ को दूसरी जगह से लाकर बड़े तरिया में पुनर्जीवित किया गया है। इस प्रयास में एक संदेश है। आप विश्व के महान लोकतांत्रिक देश भारत में हैं। के पूर्व मध्य में स्थित राज्य छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खनिज का भंडार, साल के हरे भरे जंगल, महानदी हड़प्पा पैरी हमारी पहचान है। हम अपने राज्य को माँ यानी महाकाली कहते हैं। पावन निर्मल सुंदर
वर्चस्व गीत गाने की परंपरा रही है। प्रकृति से जुड़े उत्सव हमारी पहचान है। पर्यटन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ अब तक अनछुआ है। गर्व करिए, आप छत्तीसगढ़ की महान धरती पर खड़े हैं। यहाँ शक्ति पीठों का केंद्र है। यहाँ आदि शक्ति माँ की उपासना की जाती है। उत्तर में काले रंग के खनिज यानी कोयले का भंडार है। मध्य में सफेद रंग यानी चूना पत्थर का भंडार है। दक्षिण में लाल यानी आयरन ओर और टिन जैसी धातु का भंडार है। देखो देखो छत्तीसगढ़ की शान, धरती हकीरत है महान। लोहा बक्सर हीरा है, कोयला आयरन सोना है, संस्कृतियों का संगम है, राज्य अलबेला है, अस्तर का दशहरा है, राजमुनी मेला है, शक्ति की यह भूमि है, देवी सती के यहाँ गिरजात है। देखो देखो छत्तीसगढ़ की शान है, धरती यहाँ की रत महान है, धरती यहाँ की रत महान है। आप उस छत्तीसगढ़ में है जहाँ 23,000 से अधिक धान की किस्में हैं। आप उस छत्तीसगढ़ में हैं जहाँ 100 से अधिक पत्तियां भाजी खाई जाती है। आप उस छत्तीसगढ़ में हैं जहाँ देश में सबसे पहले सफेद शेर पाया गया। आप उस छत्तीसगढ़ में हैं जो आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। हमें अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व है। गर्व है अपनी रत्न गर्भा धरती पर। गर्व है अपनी मीठी भाषा बोली पर। हमें गर्व है अपनी सादगी पर। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। राम राम वनवासी राम, राम राम जय भाचा राम, राम राम जय भाचा राम, राम राम जय भाचा राम। लव कुश पले बढ़े छत्तीसगढ़ में, वाल्मीकि आश्रम छत्तीसगढ़ में, संत घासीदास बाबा छत्तीसगढ़ में, सप्त ऋषि आश्रम छत्तीसगढ़ में। राम राम वनवासी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कौशल्या के नंदन राम, छत्तीसगढ़ के माचा राम, शिव नारायण के जय राम, माँ शबरी के तारण राम, सीतामढ़ी हर जो का राम।
दोस्तों तो भीड़ के बारे में मैं आपको बता दूँ तो लगभग भीड़ की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी अभी ये ओपन हुआ है तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं और जो लाइट जल रहा है वहाँ बैठकर 3D लेजर शो को एंजॉय कर सकते हैं। भीड़ की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और सभी लोग यहाँ लेज़र शो को देखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ लगा हुआ है 3D लेज़र शो, जो कि आपने पूरे वीडियो में देख चुके हैं कि यहाँ जो है 3D लेज़र शो चलता है। और लेज़र शो की बात करूँ तो रायपुर में एक जगह नया रायपुर में है और यहाँ जो है कुम्हार में आपको लेज़र शो देखने के लिए मिलने वाला है। तो सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आपसे फिर से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। We'll be right back.